कहीं छुपा दो चाचा जी, नहीं तो जसपाल सिंह के आदमी
मेरे पीछे आते हैं दादा जी, घबराओ नहीं मेरे लाल, वो मुझे मार डालेंगे दादा जी। ऐसा भी कोई बात नहीं, वो सामने मंदिर है ना, मंदिर के पीछे छुपा देते हैं मेरे लाल, वहाँ कोई नहीं जाता। उसके पिता के हाथों से ये लिखी हुई पूरी तहरीर है और उस आदमी इसका मतलब कि ये तो ठाकुर जसपाल सिंह का दुश्मन है हमारे। हम ठाकुर जसपाल सिंह के पास जाए और कहे कि ठाकुर जसपाल सिंह आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए, तब मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का पता बता दूंगा। यदि हम ये बात उसे कहेंगे तो ठाकुर साहब बहुत खुश होंगे। चाहता हूँ ठाकुर जसपाल सिंह के पास अफसोस की बात भी है, ये बात मैंने पुलिस के सामने नहीं बताया। अचानक अमन की लाश गायब होने हमारे लिए हम कार्य करें, उसकी लाश का पता भी नहीं चला। ये बताओ तुम्हें हम कुछ तलाशा नकारे से जिंदा तो नहीं था, पता नहीं कहीं, यही तो मैं सोचता हूँ कि अचानक अमन का वहां से गायब होना क्या मकसद है, उसके बाद तुम कौन ले जा सकता है। कुछ ना कुछ तो राज है, अगर इसको
दे रहा ना भैया, उसी पर किसी से हुआ है, उसी मतलब से है जो अब मुझे मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, अरे नहीं यार जब मिल जाएगा। आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैंने आपसे क्या लिया है? ये तो फैसला तुम्हारे दादा कर रहे थे। जमाने तेरा खड़ा दबा कर तेरे मन की शरीर तेरे गले में फंदा बना के डाल दिया तो तू जिंदा कैसे बच गया? क्या तेरी लाश उड़कर वहां चली गई? उठा के ले गया दादाजी। हाँ बोल। जब मैं का शरीर के फंदे अब मेरे गले में डाल दिए, अच्छा तो धीरे धीरे वो फंदा ढीला हो गया। ओ उसके बाद मेरी सांस वापस आ गई, वापस आ गई और मैं वहां से मौका पाकर भाग गया। बात जितना बुझ गया तो साड़ी का फंगा खोल कर दादाजी में वहां से भाग गया। अच्छा हथे घोड़ा तो मैं चला जाऊंगा। तू जाएगा तो जरूर, लेकिन ऐसे पैदल कैसे जाएगा? परेशान होगा, रास्ता काफी दूर है। मेरे पास ऐसी सुविधा है, ऐसे बटन दबाऊंगा। तेरे बाप का नाम था ठाकुर नरेश, वो मेरा सया भाई था। उसने हमारे में हिस्सा मांगा, हमारे खिलाफ आवाज उठाया, हमारी आर व शान मिट्टी में मिला दिया। उसी की तो तू औलाद है ना, तू जिंदा रहेगा तो हवेली में हिस्सा मांगेगा। एक दिन तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तू अपना निशाना बनाएगा, उससे पहले हम दुश्मन को खत्म कर देंगे। लोग एक बच्चे के लिए तरसते हैं दादाजी, तो मैं क्या करूं? मैं आपके हवेली का दीपक हूं दादाजी। अरे दीपक तो जो था मैंने उसे अपने हाथों से बुझा दिया। तू तो दूसरे की औलाद है, तेरा क्या भरोसा है? इसे ले लो। एक बाधापुर गांव में बहुत बड़ा जंगल है, इसके हाथ में काट दो, गोली मार कर खत्म कर दो। जंगल बहुत बड़ा है, जानवर इतना है, इसे लोट लोट कर खा डालेंगे। मैं बाल हत्या करना नहीं चाहता। ना अमन रहेगा न ठाकुर नरेश सिंह, और सपना जेल के सराबों के पीछे शहर जिंदगी झटिया चलाती रहेगी। मानते हैं
लेकिन मैं आपको अपना चाचा मानता हूँ। मैं कसर खा के कह रहा हूँ कि मैं हर बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी नहीं वापस आऊंगा। दादाजी अब तुझे बहुत दूर भेज रहा हूँ, जैसे वही
साड़ी तू पहन लोगी। तो क्या
मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटा। मेरे पिता का खून मेरे दादा जसपाल ने कर दिया है। मेरे पिता के खून के जाम में मेरी माँ को जेल के अंदर भिजवा दिया है। क्योंकि जसपाल सिंह भी चलती है और मेरा नाम अमन है। मुझे मारने के लिए भी आप जगह पर लेकर आए। आप अगर ना जाते तो कभी ना चलता, मुझे जान से मार देता। लेकिन बचा तो लिया आप, लेकिन मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। खड़ा रही मैं समझ गया ये सारा झगड़ा जागीर का है, इसलिए बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, आज से तुम हमारी गुफा में रहोगे। ऐसा खूखा डाकू बनाऊंगा और लेना वो जब करता हूं कि वो डाकू बनाऊंगा कि जिससे तुम अपने पिता का बदला चुका सको। तू हमारी गुफा में रहो। चाचा जी बेटा ये भी जब किसी की उम्र पढ़ने की होती है उसके हाथ में कलम होना चाहिए, लेकिन ये बंदूक आ जाती है मेरे दादा जसपाल सिंह तुम लोग मुझे मार ही डाला, लेकिन मैं ऊपर वाले कृपा से बच गया। दादाजी मैं तुम्हारे हमें नहीं आऊंगा, अब तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई सरदार जी। लेकिन न मैं तलवार चला पाता हूं, न गोली चला पाता हूं। आज बेटा मैं तुम्हें तलवार सिखाऊंगा, गोली सिखाऊंगा, चलना सब तय से होशियार बना दूंगा। जिससे तुम अपने पिता का पता चुका और चलते दादाजी चलो हमें अपने गुफाने चलो। चलो बेटा हमारी गुफा चलो। क्योंकि मैंने उनके राय कानून को उनके दिखाया रिपोर्ट को मैंने बच्चों को पैदा कर दिया है। सबका नाम मिला कि जब छोड़े नहीं सलाह आज उसे तैयार सुभाजी के बारे में बात करूंगा और हम लगाया के शौकीन हैं। आज उसे दारू के ढांचा और अयास भाजी ढांचा पूरी हो चुका है।